नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रिंस पर मैं पंकज तिवारी जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आपको भाग तीन पर ले चलूंगा तो आज हम लोग ना एक नापी समम गसुमती पाठ का आज हम लोग तीसरा भाग करने वाले तो आप लोग अपनी पुस्तक अपनी किताब अपने पास जरूर रखें और कहानी को बहुत सुंदर तरीके से ध्यान रखिएगा क्योंकि पाठ की पहले इसके पहले जो भाग कर चुके हैं वो कहानी आपके दिमाग में होगी तब आपको अगला भाग समझ में आएगा लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कक्षा छठवीं से लेकर के कक्षा बारहवीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत ही सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में और टीम के परिश्रम से नोट्स तैयार हुए हैं वो नोट्स आपकी परीक्षा में उत्कृष्ट और उत्तम अंक लाने में आपकी मदद करेंगे तो ध्यान रखिएगा आपको जल्दी से संपर्क करना है संपर्क सूत्र क्या रहेगा लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप नीचे जाएंगे जिस वीडियो से आप मुझे देख रहे हैं उसी के नीचे आपको ई e नोट्स और ई e बुक्स की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी ध्यान रखिएगा आज की क्लास जो हमारी रहेगी कक्षा वारहवी संस्कृत केंद्रित भास्वती द्वितीय भागा ना एक नापी समंगता वसुमति भा, अनुवाद भाग तीन चलिए हम लोग भाग दो तक कहानी को प्राप्त करतु कुछ कर चुके थे अकारितवान अकारितवान शब्द को सुनकर के आपको लग रहा होगा क्या अकारित वान राजा मुंज के द्वारा वंग देश के राजा वसराज को अकारितवान मतलब भुलवाया बुलवाने के बाद उससे स्पष्ट कहा कि तुम्हें रात्रि में जाकर के भोज को क्या कर देना है भुवनेश्वरी के जंगल में ले जा करके उसकी हत्या करना और हत्या करके उसके अपने का अपने द्वारा उसका सिर काट करके एकांत महल में मेरे पास लाना है इस प्रकार की कहानी और बातें हमारे भाग दो तक हम लोग पूरी कर चुके थे और उससे बनने वाले व्याकरणात्मक टिप्पणी पर भी चर्चा कर चुके थे चलिए अगले हम तीसरे भाग में चर्चा करेंगे आप लोग ध्यान से देखें वचनम आकर्ण्य मया यत कथ्यते त्वया तद विधेय पुनः वेति राजनीति मातूषण बबूब अनंतरम अछिन्नपि वत्सराज भोजम रथे निवेश रात्रो बनम नीतवान पत्र आत्मनः वध योजनाः ज्ञात्वा भोजः किमपि वत्सराजं कथतवान् ततवचनं वैराग्यं आपन्नो वत्सराजा तमनाहतवान् अपितु गृहं आगत्त भोजं गृह्याभान्तरे भूमौ निचिप् रक, रक्ष पुनः कृतम रूपेण भोजस्य मस्तकं कारित्वा राजभवनं गत्वा वत्सराजः राजानं प्राः श्रीमतः ततो साधितम साधितम इति ततु राजः भोजवन्दम ज्ञात्वातम पृष्ठवा अनुवत्सराजः खडग प्रहार समये तेन किम उक्तम देखिए मैंने पूरे पैराग्राफ को यहाँ पर एक बार पढ़ लिया है पाठ किया है आप लोग भी जब भी कभी अर्थ निकाल रहे हो या परीक्षा में आप लोग क्या देंगे ये उसका आंसर ढूंढेंगे तो आपको पहले पैराग्राफ को बहुत अच्छे तरीके से क्या कर लेना चाहिए पढ़ लेना चाहिए ध्यान रखना इस बात का और यहाँ पर भी मैंने क्या किया है पूरे पैराग्राफ को अध्ययन किया है पढ़ लिया है यहाँ पर लिखा वत्स राजस्व इदम वचन माकर ने जब उसने ये कहा कि महाराज ये बतलाइए कि आज तक पुत्र का वध करने से भला किसका हुआ है क्योंकि कभी किसी का हित नहीं होता है यदि पुत्र की हत्या करना है मुझे क्षमा कीजिएगा मैं यह कार्य नहीं कर सकता हूं इस प्रकार से वत्सराज किससे मुंज से कहता है तब तीसरे पैराग्राफ से और भाग तीसरे से हमारा ये यहां से क्या होता है प्रारंभ होता है वत्सराज का कथन और देखे वत्सराजस वो कहता है वत्सराज वत्सराज कहता है कि ईदम वचनम आकार्य कुप्तो जाता है इस प्रकार से वत्सराज के वचनों को सुनकर के राजा कौन इधम वचनम आकरण कुपतो राजा कुप्तो राजा उस समय मुंज है इसलिए राजा शब्द मुंज के लिए आया है और वो उसके क्रोधित हो जाता है कुपता मतलब क्रोधित हो जाना वत्सराज के इदम मने इस प्रकार के वचनम माने वचनों को आकरण माने सुन करके कुपता माने क्रोधित राजा माने मुंज राजा मुंज प्राह मतलब बोला ध्यान रखना अब यहां पर फिर मुंज बोलता है गुस्से में क्रोधित होकर के कि तुम मम सेवकोशी तुम मेरे सेवक हो तुम कौन हो तुम भले ही वंग देश के अधीश्वर हो लेकिन वंगाल देश हमारे अधीन है और तुम मेरे सेवक हो मया यत कथते तद विधेयम मेरे द्वारा जैसा कहा जाए वैसा तुम करो वैसा तुम करो विधेयम पुनः वत्स्य राजा राजाज्ञा ठीक पुनः माने दोबारा से वत्सराज जहां माने वत्सराज ने राजाज्ञा माने राजा की आज्ञा को पालनी अवेती मत्वा अर्थात पालन करते हुए मत्वा माने मान करके तूषणी बभू चुप हो गया तूषणी मतलब शांत हो गया या चुप बभू मन हो गया अनंतरम अन अनपी बिना इच्छा के बिना इच्छा के वत्स बिना किसी चीज को कहते हुए वत्स राजा भोजम रथे निवेश रात्र बनम नीतवान भोज को रथ में कौन से सोते हुए जो सो रहा था भोज उसको जगाया और भोज को रथे माने रथ में निवेश माने बैठाल करके रात्र माने रात में बनम माने बन को नीतवान माने ले गया बन को ले गया कौन से बन को बोला था ना भुवनेश्वरी वने भुवनेश्वरी वन भुवनेश्वरी के वन में क्या कह रहे तत्र आत्मन वध योजना तत्र माने उसके तत्र माने वहां आत्मन माने उनके अप उनके वध योजना ज्ञात्वा भोज कि वत्सराजम कथित अर्थात अपने वध की योजना को आत्मना माने अपनी स्वयं की वध योजना ज्ञात्वा माने जानकर के कौन भोज भोज ने सोचा भोज ने ये भोज ये समझ गया कि ये सब योजना जो बन रही है ये मेरी मृत्यु की योजना बन रही है मेरे वध की योजना बन रही है तो अपने वध की योजना को ज्ञातवा माने जान करके भोज किमपि पिवत्सराजम कथितवान, भोज ने वत्सराज से कुछ कहा कहता है तदवचन ही उसके वचनों को सुन करके वैराग्यमापन्या वत्स राजा तम वैराग्य धारण कर लेता है कौन वत्सराज उसके अंदर वैराग्य धारण हो जाता है अर्थात उसको राज पाठ मोह मोह से लोभ मोह से क्या हो जाता है अलग हो जाता है उसको सबको त्याग देता है और वैराग्य को धारण कर लेता है कौन What's राजा तम हतवान फिर उसको मारता नहीं है अपितु तो अपने घर के अंदर माने भूमि में निक्षिप माने छिपा करके के रक्ष माने उसकी रक्षा करता है पुनः दोबारा से कृत्रिम रूपेण भोजस्य कृत्रिम माने बनाया हुआ डुप्लीकेट अर्थात कृत्रिम रूपेण कृत्रिम रूप से भोजस्य माने भोज का मस्तक माने मस्तक चेहरा इतना धड़ उसका कार माने बनाता है बनवाता है या बनाता है राजभवनम गत्वा और राजभवन को जाकर के वत्स राजा, राजानम प्राह फिर वत्सराज राज से राजा से राजा मुंज से प्राह माने बोला श्रीमता श्रीमान श्रीमान यदादिष्टम तत्साधितम जैसा आपने आदेश दिया था वैसा मैंने क्या कर दिया वह आदेश का पालन किया उसका क्या कर दिया उसको पूरा कर दिया ततो राजा भोज बदम तब राजा ने भोज बधम माने भोज के बद को ज्ञातवा माने जान करके तब माने उसको उससे पृष्ठवान माने पूछा उससे पूछा बोले चलो भोज का बध हो गया है तब फिर वत्सराज से पूछते हैं कि वत्सराज संबोधन किया वत्सराज खडग प्रहार समय तलवार का जब तुम प्रहार कर रहे थे तलवार से जब तुम उसको मार रहे थे तो उस समय तेन माने उसके द्वारा किम उक्तम उसके द्वारा कुछ कहा गया है अब देखना यहां ऐसा भी लग रहा है कि बहुत प्रेम करता था इसीलिए तो उसके बारे में जानना चाहता है तब उससे उसने देखो उससे पूछता है कि कुछ कहा है क्या चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया यहां पर किम उक्तम उसने क्या कहा आगे चलते हैं लेकिन पहले इसके व्याकरणात्मक टिप्पणी को थोड़ा सा जाने वत्स राजस्व में ष्टी का एक वचन वचनम आकरण में दीर्घ संधि वचनम प्लस आकरण बराबर वचनम आकरण कुपिता क्रोधित होना और त्वम प्रथमा का एक वचन मम ष्ठी का एक वचन लगा हुआ है सेवका प्लस असी सेवकोसी विसर्ग संधि मया अहम माम मया तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा है कथ यत कथ्यते 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 कथ्यंते कर्मवाच की क्रिया लगी हुई है तो या में तृतीय विभक्ति तुम का रूप है युष्मद का ठीक फिर इसके बाद पुनः माने दोबारा वत्स राजा में प्रथमा का एक वचन राज आज्ञा राज प्लस आज्ञा बराबर राज दीर्घ संधि मत्वा माने मानकर के यहाँ पर भी कित्व प्रत्यय लगा हुआ है तूषणी में देखिए यहाँ द्वितीय विभक्ति है, में है परुक्षे लिट लकार में बनेगा अन उपसर्ग अलग हो जाएगा एक प्लस अपी, में, का एक बचन, रथे में, का एक बचन, में उपसर्ग लगा हुआ है और विष्व धातु से यहाँ पर निवेश बना लिप धातु और रात्रो में तृतीय सप्तमी का एक वचन बनम में द्वितिया और धातु और कितवतु प्रत्यय से नीतवान बन गया है यहाँ पर तत्र माने वहाँ आत्मन ष्ठी विभक्ति अपने बध योजना द्वितीय विभक्ति ज्ञात्वा माने जानकर के ज्ञा धातु कित्वा प्रत्यय भोज माने भोज किमपि माने कुछ भी क्या कुछ भी वत्सराजम माने द्वितीय विभक्ति कथित भी भी धातु है तदव वचन ही में तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप है वैराग्यम अलग हो जाएगा आपन्न अलग हो जाएगा वैराग्यम आपन्नो यहाँ विसर्ग सभी

रक्षा की पुनः माने दोबारा से कृतम रूपेण माने बनाए गए रूप से तो तृतीय विभक्ति का एक वचन भोजस् में षष्टी का एक वचन मस्तकम माने आपका मस्तक शरीर उसका बनाया मुह बनाया कारित्व माने निर्माण करके राजभवन माने द्वितीय विभक्ति गत्वा माने जा करके के तो गम धातु है कित्वा प्रत्यय है वत्स राजा में प्रथमा का एक वचन राजा नम में द्वितीय प्राय माने बोला फिर यहाँ पर यत प्लस आदिष्टम यदादिष्टम आदिष्टम संधि है तत्साधित साधितमति इति तो यहाँ संधि द्वितीय विभक्ति ज्ञातवा में ज्ञान धातु कित्वा प्रत्यय पृष्ठवान में पृष्ठ धातु है प्रत्यय और संधि होकर के यहाँ पृष्ठवान बन जाएगा वत्सराजा संबोधन लगा हुआ है ठीक खडग प्रहार समय सप्तमी का एक वचन तेन में तृतीया विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है किम उक्तम ठीक किम अलग हो जाएगा उक्तम वच धातु से उक्तम बन जाएगा किम उक्तम आगे चलेंगे उसी के साथ हम लोग क्या कहता है बोले जब आप मार रहे थे उसको भोज को बद कर रहे थे तब उसने क्या बोला ऐसा मुंज पूछता है देखे तब वत्सराजन चे भोग्य अतिमसंदेश प्रदत्त श्लोक समर्पितः कि मां च महीपति कृतयुगालूता सेन से महोदध विरचिता क्वा सुदशा अने वापी युदिष्ठर प्रवृत याता दिव भूपते नई केम गता वसुमती नून तवया नूनमया बोले ज्यादा कुछ नहीं कहा बस इतना ही कहा क्या कहा जब तुम उसको भोज को मार रहे थे तब उसने उसके मुख से कुछ निकला उसने क्या कहा तब वत्सराज ने कहा कि वत्सराज एन चा रागे भोजस वत्सराज से वत्सराज के द्वारा चा माने और राग्य माने राजा देखें वत्स के द्वारा भोजस माना भोज का अंतिम संदेश रूप बोले उसने केवल राजा भोज भोज ने भोज के द्वारा राजा के आपके लिए केवल और केवल एक अंतिम संदेश के रूप में यह दिया है दत्त प्रदत्ता श्लोक का समर्ता जो यहां पर दिया गया श्लोक है वही श्लोक समर्पित किया एक श्लोक जब वह क्या कर रहा था मारा जा रहा था उसका वध किया जा रहा था तब उसने एक श्लोक जरूर बोला था उस श्लोक के माध्यम से बोले यह श्लोक आपको सब कुछ समझा देगा क्या एक बार और पुनः इसका हम क्या करेंगे उच्चारण करेंगे क्यों क्योंकि वास्तविकता में उन्होंने जो कहा वो वास्तविकता में कितना सुंदर और एक छोटी सी उम्र में इतना मतलब अपने अंदर शालीनता का भाव रखना कोई राजा ही कर सकता है देखिए किता च महीपति कृतिलू तो गता से महोद विरचिता क्वासो सौ दशा सिका अने वाप्य युधिष्ठर प्रभुतयाता दिव भूपते नैके के नापि समम गता वसुमती नूनम त्वयायास्यति नूनम त्वयायास्यति अब उन्होंने कहा कि मानधाता च महीपति एक से एक राजा हुए मानधाता आदि राजा हुए अर्थात जो मानधाता राजा थे मानधाता आदि राजा जितने हुए कृत अलंकार भूतो गता अलंकारों से युगों युगों से अलंकारों से भूत थे और भूतसित तो होने के बाद भी गता बोले चले गए और सेतुर युगेन महोदध महो का मतलब होता है समुद्र बोले ऐसे जो सेतु जो समुद्र पर निर्माण करने वाले विरचिता माने रचना करने वाले को कहा जो बोले महोद थे अर्थात समुद्र पर राम जो पुल बनाने वाले कौन राम जैसे रामण को हरा करके जिन्होंने क्या कर दिया सीता माता को लेकर के आए ऐसे राम चले गए और क्या बोले अन्य बापी युधिष्ठर प्रभुतया और अन्य राजा भी हुए बोले युधिष्ठर जैसे युधिष्ठिर जैसे राजा भी हुए याता दिवम गता भूपते ऐसे एक से एक भूपति क्या हो गए दिवम गता चले गए ना ना नापी नापी ना समम गता बहु बसुमती किसी के साथ में भी ये पृथ्वी नहीं गई ये बसुमती नहीं गई नूनम तोया या सती निश्चित है कि ये तुम्हारे साथ जरूर जाएगी ये तुम्हारे साथ जरूर जाएगी लेकिन किसी के साथ तो नहीं गई चाहे वो बात करूं मानधाता राजाओं की और चाहे समुद्र पर बनाने वाले सेतु निर्माण करने वाले रा, लंकापति रावण जैसे राजा को हराने वाले भगवान राम की बात करें तो वो भी नहीं रहे उनके साथ भी ये पृथ्वी नहीं गई और बात करूं तो बोले युधिष्ठर जैसे राजा हुए उनके साथ में भी ये बसुमती नहीं गई लेकिन तुम्हारे साथ निश्चित जाएगी इस प्रकार का संदेश वह देकर के गए हैं इस प्रकार का संदेश देकर के गए हैं समझ रहे ना देखिए अब यहां पर आप देख लीजिए राज्यन राजेन में तृतीय विभक्ति का एक वचन और राज्य में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा है में षष्ठी का एक वचन अंतिम संदेश रूपेण तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप दिया हुआ है फिर क्या दिया दत् श्लोका में प्रथमा का एक वचन और मानधाता में प्रथमा का एक वचन महीपति में प्रथमा का एक कृत युग अलंकार भूता तो यहाँ अलंकार तो दीर्घ संधि हो गई है गता गम धातु कृत प्रत्यय से गता बना हुआ है सेतुरी एन तो तृतीय विभक्ति का एक वचन दधौ तो समुद्र पर तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन क्वा असौ क्वा असौ दशा का राम के लिए आया हुआ है दशास्य अंत का अर्थात दस हैं अंतक जिसके सिर जिसके ऐसे उसका अंत करने वाले भगवान राम नहीं रहे दशास्य का अन्य में सप्तमी का एक वचन वा अपी। वा अपी तो वा अलग हो जाएगा अपी अलग दीर्घ संधि युधिष्ठर प्रभु तया यहाँ पर विसर्ग संधि याता ययाति दिवम गता ययाति जैसे राजा सूरवीर क्या हो गए चले गए भूपति माने भू भूप, भूप, राजा नईके ना नापी तो नई के नापी तो यहां पर भी वृद्धि संधि है तृतीय का एक वचन है दीर्घ संधि का का लगा हुआ का है ध्यान रखोगे अन्वय देखे इन श्लोकों का अन्वय है भूपते हे राजन कृत युगा मही महीपति मानधाता धाता चागता महोद एन सेतु विरचिता अस दशा से क्व अन्य वा अपी उधिष्ठरम प्रवितया दिव याता वस्मति न गता नूनम यास्यति निश्चित है कि तुम्हारे साथ ये जाएगी चलिए आगे देखें शब्दार्थों पर चर्चा करूंगा शब्दार्थ को ध्यान से देखिएगा शब्दार्थ में उन्होंने क्या दिया है यहां आकरण आकरण का मतलब सुनकर विधेयम मैंने करना चाहिए तूषणि मतलब चुप माने ना चाहते हुए भी और रथे निवेश माने रथ पर बैठ बैठा कर ज्ञातवा जान करके जानकर के वैराग्य मन वैराग्य को प्राप्त किए हुए कौन वैराग्य को प्राप्त करता है वत्स राजा देखें घर के अंदर गृह अभ्यंतर गृह अभ्यंतर निक्षिप माने छिपा करके और साधु माने पूरा किया कृत अलंकार भूता मन सतयुग के आभूषण स्वरूप महोद माने समुद्र पर दसा अंत का माने रावण को मारने वाले राम और याता माने चले गए वसुमती माने धन लक्ष्मी यह राजलक्ष्मी और यह पृथ्वी किसी के साथ नहीं गई किसी की नहीं हुई इसीलिए हे राजन ये निश्चित आपके साथ जाएगी प्रसंग में देखें प्रस्तुत गद्यांश बल्लाल शैन रचित भोज प्रबंध के भोज राजस्व राज्य प्राप्ति प्रबंध अंश के संपादित रूपांतरण से लिया गया है जिसमें वत्स राज का हृदय परिवर्तन तथा भोज की रक्षा का वर्णन किया गया भोज की रक्षा का वर्णन इसमें किया गया है आगे देखें प्रसंग के बाद सरल अर्थ पर चलेंगे सरल अर्थ में उन्होंने क्या दिया है ध्यान से देखें वत्सराज के वचनों को सुनकर के क्रोधित राजा ने कहा कि तुम मेरे सेवक हो मैं जैसा कहता हूं वैसा तुम्हें करना चाहिए फिर वत्सराज राजा की आज्ञा का पालन करनी चाहिए राजा की आज्ञा का पालन करना चाहिए ऐसा मान करके के चुप हो गए इसके बाद न चाहते हुए भी वत्सराज रात में भोज को रथ पर बैठा करके बन ले गए तब वहां अपने वध की योजना को जान करके भोज ने वत्सराज से कुछ कहा उसके वचनों को वचनों से वैराग्य प्राप्त वत्सराज ने उसे नहीं मारा अपितु तो घर आकर के भोज को घर के अंदर भूमि में भूमि के नीचे छिपा करके रक्षा की फिर कृत्रिम रूप से भोज का मस्तक बनवा करके राजमहल जाकर के वत्सराज ने राजा से कहा श्रीमान श्रीमान आपने जैसा कहा वैसा ही किया तब राजा ने भोज के वध के विषय में जान करके उससे पूछा कि वत्सराज तलवार के प्रहार के समय उसने क्या कहा जब आप तलवार से उसका वध कर रहे थे प्रहार कर रहे थे उस पर तब उसने क्या कहा ऐसा मन में जानते हुए वह क्या कहने लगा ऐसा जानकर के उसने कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए ठीक है चलिए आगे देखेंगे वत्सराज ने भोज के वत्सराज ने भोज के अंतिम संदेश के रूप में कहे गए श्लोक को राजा को समर्पित कर दिया अर्थात प्रस्तुत किया हे महाराज वो सत्ययुग के आभूषण स्वरूप महाराज मानधाता चले गए और समुद्र पर जिसने पुल बनाया वह रामुण का अंत करने वाले राम कहाँ हैं अन्य भी युधिष्ठिर आदि राजा स्वर्ग चले गए परंतु धन लक्ष्मी किसी के साथ नहीं गई लेकिन निश्चित है निश्चित ही तुम्हारे साथ जाएगी इस प्रकार से उसने अंतिम संदेश आपको यह दिया है चलिए आगे देखें संधि विच्छेद कुछ इसमें संधि संधियां दी गई हैं ध्यान से देखिएगा संधियों को, को ध्यान से देखना है लिखा हुआ है कुपितो राजा कुपिता प्लस राजा यहां विसर्ग संधि हो जाएगी कुपिता कुपिता प्लस राजा कुपिता प्लस राजा तो यहां हो जाएगा आपका विसर्ग के स्थान पर ओ संधि तो हो जाएगी यहां कौन सी संधि होगी विसर्ग के अंतर्गत आने वाली उत्त उत्त ठीक चलिए आगे देखें अगली हमारी संधि जो होगी सेवकोशी यहां पर भी सेवका प्लस असी यहां पर आपका चंपक पुष्पक न्यायन खंडाकारों नियवकह प्लस अपि असी बनेगा सेवकोशी सेवकोशी अवग्रह का आ आ जाएगा और यहां विसर्ग लग जाएगा सेवकोशी ठीक चलिए आगे देखेंगे इसके बाद पालनी देखो पालनीय अलग हो जाएगा पालनिया फिर एव अलग हो जाएगा इति अलग हो जाएगा तो यहां वृद्धि संधि हो जाएगी गुण संधि पालनिया पाल प्लस एब प्लस इति दिया हुआ है बड़ा आ प्लस ए तो आ और ए आने पर आई बनता है कौन सी संधि के आधार पर वृद्धि संधि वृद्धि संधि के आधार पर हो जाएगा वृद्धि संधि के आधार पर यहां हो जाएगा तो बन जाएगा आपका पाल नी या, या आपका आधा हो जाएगा आई की मात्रा लग जाएगी इस पर और वह बचेगा यहां का तो जुड़ जाएगा फिर इसके बाद आपका इति बचेगा इति बचेगा तो इसका आ मिलेगा आपका और इसका ई आके बाद ई आने पर ए बनता है ये आपकी कौन सी संधि है यहाँ गुड़ संधि यहाँ आपकी संधि होगी संधि ध्यान रखिएगा और गुड़ संधि के आधार पर यह जो ए है इसकी मात्रा यहां लग जाएगी ई यहां से हट जाएगी तो आपके पास ती बचेगा तो आप इसमें जोड़ दोगे बन जाएगा पालनी अवेती पालनी अवेती देखो ये लिखा हुआ है बन जाएगा तो यहाँ गुण संधि हो जाएगी आदिगुण सूत्र से और वृद्धि रादय से वृद्धि संधि होकर के दोनों ये हमारा पद बन जाएगा अगला पद दिया हुआ है अनिच्छिन्नमपि अनिच्छन देखो अनिच्छन प्लस अपी बराबर अनिच्छिन्नमपी नुट का आगम होकर के यहाँ पर अनिच्छिन्नमपि व्यंजन संधि हो जाएगी कुछ नहीं करना है ना को सीधे जोड़ देना है ठीक फिर हो जाएगा आपका आत्मना वध योजना तो यहां पर भी विसर्ग के स्थान पर फिर से आप ओ कर देंगे तो यहां हो जाएगा वध योजना इसमें विसर्ग संधि गृह प्लस आभ्यांतरे तो यहाँ दीर्घ संधि है गृह आभ्यंतरे ध्यान रखना गृह प्लस आभ्यांतरे दिया हुआ है इसका आपको आ बोलना है और इसका बड़ा आ दोनों को मिलाओगे तो बड़ा आ बनेगा बनेगा। जब इसको मिलाओगे तो ये बनेगा आपका गृह दीर्घ संधि अकाशवर्ण दीर्घ ध्यान रखना आगे बढ़े आगे देखें अगला दिया हुआ है तत्साधितम इति, तत् प्लस साधितम प्लस इति तो यहां तत्साधितम ये तो सीधा व्यंजन संधि है यहां तक तो इसको आप इससे मैच कर दो सीधे सीधे मिला दो फिर इसके बाद इति दिया हुआ है तो ई की मात्रा यहाँ तक आ जाएगी इसमें लग जाएगी ऐसे लग जाएगा साधितम इति दोनों में पूरे में व्यंजन संधि है आपको बस सीधे वर्णों को क्या कर देती ना मिला देना ठीक चलिए आगे बढ़े उसी के साथ आगे हमारा दिया हुआ है कृत अलंकार भूत कृत अलंकार भूत तो यहां कृत युग कृत युग प्लस अलंकार अलंकार दिया हुआ है तो इसका आपको आ ले लेना है और इसका आ दोनों को आपको देखना है बड़ा आ बना हुआ है और जैसे ही आप इसको मिलाओगे तो दीर्घ संधि बनेगी कृता सॉरी कृत युगा युगा और आ आपका चला गया लंकार इसमें जुड़ जाएगा क्योंकि आ तो आपका कहाँ आ गया दीर्घ के रूप में यहाँ बन जाएगा आपका कृत युगा अलंकार बन जाएगा तो दीर्घ संधि कहा शबर्ण दीर्घ का यहाँ सूत्र लग जाएगा फिर इसके बाद आप देखें लिखा हुआ है संतु संतुर युगेन ठीक जिसे हम सेतु युग के रूप में जानते हैं सेतु अर्थात क्या हो जाएगा सेतु युगेन सेतु प्लस एन सेतु का निर्माण एन ठीक यहां विसर्ग के स्थान पर आपका रा हो जाएगा तो सेतु और रा एन इसको जोड़ेंगे तो ऐसी मात्रा ऊपर आ जाएगी और ये जुड़ जाएगा सेतु सेतुरयुग ठीक है ना सेतु पुल से ठीक फिर इसके बाद लिखा हुआ है महोद तो महा प्लस उदौ तो महोदध के बाद उ आने पर ओ बनता है संधि समुद्र कैसा है बहुत महान महा प्लस उद्धव उद्धव माने समुद्र महान उसका विशेषण महोद ठीक इसका आ हो जाएगा और यहां ऊ के बाद उ, आने पर उ बनता क्या बनता है ओ कौन सी संधि में संधि गुण संधि में निर्माण होगा आदिगुणा सूत्र से तो यहां आपका बनेगा महोद क्या बनेगा महो दधो चलिए आगे देखेंगे क्वासव क्वा प्लस असौ बराबर क्वासव देखें यहां पर क्वा प्लस असौ दिया हुआ है तो इसका आ ले लेना है और इसका आ दोनों को मिलाओगे बड़ा आ बनेगा चलिए क्वा ये का आपने दे दिया है आधा ठीक आधा का और वाह आपका हो जाएगा बड़ा तो वाह यहाँ आ जाएगा ठीक ध्यान रखना ये आपका आ जुड़ गया और असौ में से सौ यहाँ जुड़ जाएगा तो क्वा बन जाएगा क्या बन जाएगा क्वासौ अभी समझ में नहीं आया चलिए आप ऐसे भी देख सकते हैं ये आप ऐसे लिखें क्वा आपका आधा है और ये आपका यहां आ जाएगा और यहां सौ बचेगा आपको वाह में जोड़ो तो ऐसे लिख दो क्वा सौ आप ऐसे भी लिख सकते हो और जब वाह को नीचे लाओगे तो आप वाह को नीचे लाओगे और ऐसे आ की मात्रा लगा दोगे और ये बन जाएगा क्वा सौ जो यहां बना हुआ है क्वा सौ ठीक चलिए लेकिन एक बात ध्यान रखना जो नीचे वर्ण लगा है वो पूरा है और ऊपर वाला आधा है ठीक जैसे अलंकार में ऊपर वाला हमारा क्या है आधा है और का हमारा क्या है पूरा है इसके बाद अगला दिया हुआ है अंत का तो दशास् प्लस अंत कहा रावण का अंत करने वाले राम प्लस अंत कहा दशाह अंतक इसका आ ले लीजिए और इसका आ दोनों को मिलाओगी क्या बनेगा बेटा बड़ा आ बनेगा कि नहीं बनेगा यहां बड़ा आ बनेगा लेकिन कौन सी संधि से दीर्घ संधि से दीर्घ संधि से बनेगा तो यहां पर आपका बचेगा दशास्य दशास्य या यह आपका आधा रहेगा और अंतक में से आपका आ निकल चुका है तो ये बनेगा अंत का अंत का आपको इसमें मिलाओ तो क्या बनेगा दसास्या और आधा ना और का और का बनेगा चलिए आगे देखते दीर्घ संधि यहां हो गई फिर इसके बाद वापी वापी वा प्लस अपी तो यहां पर भी दीर्घ संधि वा प्लस अपी यहाँ पर बड़ा आ और यहाँ पर छोटा आ दोनों को मिलाया बड़ा आ हो जाएगा बड़ा आ फिर यहाँ देखें वा में से आ निकल गया है तो वह आधा हो गया यहाँ पर आ आ जाएगा दोनों को मिलाने पर एक एक वर्ण आया है जिसको आ प्लस पी आ को इसमें मिलाया बड़ा वा पी को जोड़ा वाह पी बन गया कि नहीं वापी, आगे बढ़े उसके बाद नई केन आपी, तो ना प्लस एकेन, ना प्लस एकेन प्लस अपी दिया हुआ है ना में से क्या निकाला आ में से छोटा आ और एकेन का ए और केन आपका अलग रहेगा और यहां पर भी आपने क्या निकाल लिया आ केन केन हो जाएगा और प्लस अपी यहां पर आप देखें आ के बाद ए आने पर क्या बनता है आई बनता आई बनता है यहां ना रहेगा यहां केन रहेगा और यहां अपी रहेगा ध्यान रखना इस बात का यहां वृद्धि संधि लग गई कौन सी वृद्धि वृद्धि संधि यहाँ आपकी हो जाएगी ठीक वृद्धि संधि जब यहाँ होगी और वृद्धि राधे सूत्र से तो आई की मात्रा इस पर दो लगेंगी तो ना पर दो मात्रा है और केन आपको ऐसे जोड़ देना फिर आपी आ जाएगा अब इसमें से ना में से नाम ऐसे आ को निकालना है और अपी का आ लेना है दोनों को मिलाना बड़ा आ, बन जाएगा फिर नई के नई के न तो ना आपका आधा हो जाएगा ध्यान रखें आ निकल चुका है ना आप वैसे आ निकल गया तो पी बचेगा आ की मात्रा इसमें लगाओगे तो इसमें बनेगा नई के ना नई के ना और पी बन जाएगा नई के ना पी तो वृद्धि संधि और दीर्घ संधि यहां पर आकाश अवर्णय दीर्घ यहां दीर्घ संधि कौन सी संधि हो जाएगी यहाँ दीर्घ संधि आकाश अवर्णय दीर्घ वहां वृद्धि रादय तो वृद्धि संधि हो जाएगी देन ध्यान रखोगे चलिए आगे बढ़ेंगे उसी के साथ हम लोग देखिए इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे ये पद परिचय लेकिन पद परिचय रहेगा शब्द रूपों पर आधारित शब्द रूप क्या होते हैं जैसे अकारांत इकारांत उकारांत रिकारांत पुल्लिंग बाची स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग ये हमारे शब्द रूप है ठीक और धातु रूप हमारे जो चलते हैं वो हमारे कैसे चलती हैं धातु में? सकर्मक और अकर्मक कुछ परसमय पदि धातु हैं कुछ आत्मनय धातु वो धातु रूप के परिचय हैं लेकिन यहाँ शब्द परिचय चलेंगे जो शब्द होंगे शब्दों पर हम परिचय करेंगे चाहे वो अस्मद वो हमारे चाहे सर्वनाम शब्द हों चाहे वो हमारी संज्ञाएं हों चाहे विशेषण हों उनके अब इसमें आपको विभक्ति देखना है वचन देखना है और मूल शब्द पर आपको चर्चा करना है चलिए यहाँ पर मया लिखा हुआ है ठीक मया का जो रूप बनता है अस्मत के रूप में बनता है सर्वनाम रूप है अस्मत मतलब मैं तो रूप चलेगा अहम माम मया तो तृतीय विभक्ति एक वचन में हमारा रूप बनता है कौन मया ध्यान रखोगे फिर इसके बाद तोया क्या दिया हुआ है तोया तोया आपका रूप दिया है जिसमें लिखा है युस्मद के तृतीय विभक्ति एक वचन में हमारा रूप बनता है तोया ठीक फिर यहां देखें रात्रौ रात्रि शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचन में रात्रि के रूप चलते हैं जैसे मती के मत्यों बनता है वैसे रात्रि का रात्र फिर यहां पर देखें बचनई बचन शब्द से तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप बनता है जैसे फलई वैसे ही बचनई ही ध्यान रखना भूमौ भूमि के रूप चलेंगे सप्तमी विभक्ति एक वचन में भूमौ किसके रूप चलेंगे? भूमि के रूप चलेंगे अर्थात आप जैसे एक में तेन दिया हुआ है, तो तत के रूप चलते हैं वह होता है ठीक यहां रूप चलेगा तस्मय तस्मात तस् तस्मिन तो तृतीय विभक्ति एक वचन में तेन बन जाएगा पुल्लिंग वाची शब्द है और तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप होगा तेन ध्यान रखना इस बात का क्योंकि सर्वनाम रूप चलते हैं चाहे तत् की बात करूं मैं चाहे यत की बात करूं चाहे तत्क की बात करूं चाहे सर्व की बात करूं सब में देखना कि सह सह कह ए सह यह सर्व तम कम ए तम एन सर्वेण ध्यान रखना ऐसे रूप चलेंगे तम कम ए तम यम सर्वम तेन कैन ए तेन एन सर्वेण तस्मय कस्मय ये तस्मय यस्मय सर्वस्मय यस्मात कस्मात्मा फिर चलेगा तस् कस यस यस सर्वस्व ऐसे चलेंगे फिर चलेंगे तस्मिन कस्मिन ए तस्मिन यस्मिन यू फिर यहां पर आ जाएगा तऊ 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 तम तब्यम तयो तयो तेसम ऐसे बनेगा तयो तयो फिर बनेगा कऊ कऊ काम काभ्यम कयो कयो फिर बनेगा आपका क्या बनेगा एतौ एतौ येभ्याम ऐत एतयो ए तयो बनेगा कि नहीं बनेगा अब यहां पर आप यौ यथ के ले लोगे तो यत के बनेंगे आपके यौ यौ याभ्याम याभ्याम यो यो फिर आप सर्व में आ जाओगे तो सर्वो सर्वो सर्वाभ्याम सर्वाभ्याम सर्वयो सर्वा सर्वयो आप बहुवचनांत में पहुंच जाओगे तो बहुवचन में भी आपके यही रूप बनेंगे ते ते तई तेभ्य ते शाम तेसु ते ते फिर चलेंगे आपके यत में आ जाएंगे तो ए, ए तान ए, ए तान्या ए, और शाम और एसु ऐसे रूप चल जाएंगे फिर आप एतत के रूप चलेंगे तब भी वहाँ बनेगा ए में एते एतान एतई एतेभ्या एतेभ्या ए फिर बनेगा एते ते ए शाम फिर वहाँ पर ए ए ए आन और यही एभ्या एभ्या फिर वहाँ पर आप क्या जाएंगे वही आ जाएंगे ए शाम और एसु फिर इसके बाद आप चलोगे सर्व में तो सर्वग, सर्वान, सर्वग, सर्वग, सर्वे भ्या, सर्वे सर्वान्व सर्वेभ्य सर्वेभ्य सर्वेशा सर्वेशु सर्वनाम रूप हैं सब ऐसे चलते हैं तो इसमें भी तृतीय विभक्ति एक वचन में तेन बन जाएगा शब्द दिया हुआ है तो यहां पर भी राजन शब्द से सप्तमी विभक्ति बचन में रूप बनेगा एन रूप है तो यत के रूप चलेंगे अभी जो मैंने बताए हैं आपको सर्वनाम तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा फिर यहां पर अन्य अन्य शब्द से प्रथमा विभक्ति बहुवचन में अन्य बन जाता ठीक है ना चलिए आगे बढ़े अब देखिए यहां पर धातु रूपों का परिचय आया है यहां पर भी पद परिचय चलेगा क्या चलेगा पद परिचय अभी शब्द रूपों का चला लेकिन अब धातु रूपों का चलेगा देखे सबसे पहले असी बना हुआ है फिर बभू बना है, फिर ररक्ष बना फिर यास्यति बना लेकिन आसी बना तो अस धातु रहेगी लेकिन ये कहां बनेगा लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा असी अस धातु से क्या बनता है हमारा अस्ति स्तः संति ऐसे रूप बनते तो मध्यम पुरुष एक वचन में बनेगा असी बभूव में भू धातु से बनता है लिट लकार परोक्ष लिट में और परोक्ष लिट सूत्र हो जाएगा और प्रथम पुरुष एक बचन में रूप बनेगा बभूव हो जाता है भू धातु का द्वित होकर के बभू बनता है रलक्ष में भी रक्ष धातु है लिट लकार में द्वित होकर के रक्ष धातु में प्रथम पुरुष एक वचन में रलक्ष बनता है यास्यति लिट लकार भविष्य काल में या धातु से बनता है ठीक है ना तो यहां पर भी प्रथम पुरुष एक यास्यति यास्यता यास्यंती यास्यसी यास्यता यास्य यास्यामि यास्यावा यास्यामा ऐसे हमारा रूप बनेगा ध्यान रखोगे आगे बढ़ो चलिए आगे देखें कुछ इसमें समास दिए हुए समासों पर चर्चा करेंगे समास दिए हैं समासों को आप ध्यान से देखिएगा यहां कौन कौन सी चीजें समास में दी हुई हैं ठीक देखें यहां पर लिखा है राजाज्ञा राज, राज राज्य प्लस आज्ञा बराबर राजाज्ञा मतलब राजा की आज्ञा ष्टी तत्पुरुष समास अनिच्छन्न अनिचन्ना एक बराबर नहीं तत्पुरुष समास तो यहां पर जिसकी इच्छा ही नहीं है वह नई तत्पुरुष समास में चला जाएगा वध योजनाम तो वधस्य योजनाम व की योजना मतलब मारने की योजना वध की मृत्यु की योजना तो ष्टी तत्पुरुष समास लग जाएगा और बन जाएगा वधस्य योजना तत्वच नहीं उसके वचनों से तस्य वचन ही तत्वचन उसके वचनों के द्वारा ष्टी तत्पुरुष समास तो यहाँ पर भी तत् में षष्ठी लगी बद में ष्टी विभक्ति लगी हुई है नाम नहीं और राग्या में षष्ठी विभक्ति राजभवनम राजा भवनम ष्ठी विभक्ति राजा का भवन और भोज वंधा, भोज वधम तो वधम, यहां पर भी भोजवध हो जाएगा ठीक फिर इसके बाद खडग प्रहार प्रहार समय अर्थात वहां पर उन्होंने कहा कि तलवार के प्रहार के समय तो खडग प्रहारस्य समय ष्टी तत्पुरुष समास यहां पर भी आपका हो जाएगा कि तलवार के प्रहार के समय पर युग अलंकार भूता कृत विभक्ति अलंकार भूता मन अलंकारों से जो मतलब कलयुग में कृब सॉरी जो सतयुग में युगों के अनुसार जो अलंकारों से सुशोभित थे ऐसे मानधाता राजाओं भी क्या होगा चले गए तो इसमें भी ष्टी तत्पुरुष समास हमारा हो जाएगा ये समास आप लोग ध्यान रखिएगा इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे आगे दिया हुआ है प्रत्यय प्रत्ययों पर हम लोग चर्चा करेंगे प्रत्यय में क्या दिया हुआ है ध्यान से आप लोगों को देखना है प्रत्यय में क्या दिया है आकरण्य क्या दिया है आकरणीय आकरण में आसर्ग दिया है कर्ण आपका शब्द है और ल्यप प्रत्यय यहां पर आपका क्या बना है आकरणीय ल्यप प्रत्यय में आपको मैंने पहले इसके पहले वाले जब भाग को पढ़ाया था तब भी मैंने आपसे कहा था कि प्रत्यय में आपको ये जान लेना अति आवश्यक है कि प्रत्यय में शेष क्या बचता है यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है सबसे पहले मैं आपको बता दूं ल्याप्य प्रत्यय ल्याप्य प्रत्यय में पा और ला की होती है संज्ञा और तत्स से होता है लो तो आपका शेष क्या रहता है केवल या शेष रहता है क्या रहता है या शेष अनियर प्रत्यय में रकार का लोप होता है हलंत्यम तस्लोपा से लोप हो करके तो हलंत्यम से संज्ञा और तस्लोपा से लोप तो रहता है इसमें केवल अनिय बचता है ध्यान रखोगे फिर इसके बाद यहाँ कित्व प्रत्यय दिया हुआ है तो का का लसक्वत पद्धति से संज्ञा हो जाएगी और तस्लोपा से लोप हो जाएगा और आपका त्वाशेष रहेगा क्या रहेगा त्वाशेष रहेगा ध्यान रखोगे फिर इसके बाद आपका दिया हुआ है यहां सत्री प्रत्यय सत्री प्रत्यय में सा की और री की हो जाएगी संज्ञा, री की ठीक है इससे लोप हो जाएगा और फिर आपका शेष बचेगा जो अत बचेगा सा में से आ निकलेगा और सत्री में से त निकलेगा तो यहां पर अत रहेगा लेकिन अत का परिवर्तन होकर के बनता है अन अत का अन हो जाता है तो बनेगा आपका देखो लास्ट में ना आ रहा है ना इसलिए फिर निवेश से शब्द में इसमें प्रत्यय तो यहाँ पर भी आपका पा और ला की संज्ञा होकर की रहेगा। जैसा पहले में था ध्यान की संज्ञा आपकी होगी तो यहाँ शेष रहेगा क्या रहेगा शेष रहेगा फिर इसके बाद कितव में भी का की संज्ञा हो जाएगी तू की संज्ञा हो जाएगी लोप हो जाएगा आपके पास तवत शेष रहेगा लेकिन यहां परिवर्तन होगा जो वत दिया हुआ है यहां वत वत को क्या हो जाता है वान हो जाता है वत को क्या हो जाता है वान तभी तो यहाँ वान बनता है ध्यान रखना बस इतनी प्रोसेस अगर हम लोग सीख ले तो मतलब हमारी इतना यहां तक हम लोग काफी हद तक 80 परसेंट नाइन्टी परसेंट तक काम कर जाएंगे ध्यान रखें अब फिर बात आती है सूत्रों की सूत्र भी बहुत सारे जरूरी है फिर इन सूत्रों की जरूरत पड़ती है तो सूत्रों को जानने के लिए क्या करना है ठीक उसके लिए पालना पड़ेगा और क्या अब हम इनके उपसर्गों को अलग कर लेते हैं उपसर्ग है क्या आकरण में आ उपसर्ग है ठीक पालनिया में कोई उपसर्ग नहीं है पाल धातु अनियर प्रत्यक्ष सीधा सीधा हमारा पालनीय बनेगा ये स्त्रीवाची है इसलिए पालनिया बन गया है ठीक अनियर प्रत्याशी पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में बनता है तो पाल धातु से सीधा सीधा जुड़ेगा तो बनेगा पालनिया पाल फिर पाल नियम क्या बनेगा पाल नियम यह आपका नपुंसकी ठीक पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग तो स्त्रीलिंग यहां पर बना हुआ है पालनिया ध्यान रखोगे चलिए फिर मत्त्वा में मन धातु रहेगी कित्वा प्रत्यय में सीधा आपका ना का लोप हो करके जुड़ जाएगा सीधा मत्वा बन जाएगा सीधा बन फिर इसके बाद पर अनिच्छिन्न तो अनिच्छिन, अनिच्छन तो अन उपसर्ग है इच्छ धातु है और सत्री प्रत्यय है तो सत्री प्रत्यय में अन आपका जुड़ेगा तो ई इसमें लग जाएगी अनिच्छन छा आएगा में मिल जाएगा और अनिच्छन बन जाएगा सीधे सीधे ध्यान रखना फिर लिखा हुआ है निविश तो नी उपसर्ग है विष धातु है तो यहां पर गुण हो जाएगा ई को ए आदेश होकर के तो वेश से बन जाएगा निवेश और या जुड़ेगा तो यहां निवेश से ऐसे बन जाएगा ठीक गुण हो जाएगा लेकिन इस बात का ध्यान रखना ज्ञातवा में ज्ञा धातु है सीधे त्वा जुड़ेगा तो ज्ञातवा बनेगा और कुछ नहीं होगा आगे बढ़ू नीतवान में नी धातु है कितवतु प्रत्यय में सीधा सीधा नीत Or, of of और वत का वान हो जाएगा तो यहां नीतवान सीधे नीतवान बन जाएगा ठीक ध्यान रखना यह पुल्लिंग में बनेगा नीतवान और स्त्रीलिंग में बनेगा नीतवती और नपुंसक लिंग में बनेगा नीतवत्त यह भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में बनता है ध्यान रखोगे चलिए आगे देखें आगे जो हमारा पद रहेगा आगे देखें इसमें लिखा हुआ है कथितवान। फिर आपको वही प्रोसेस करनी है देखिए कित पतु प्रत्यय में तवत शेष रहेगा क्या रहेगा तवत शेष रहेगा यहां से उ और का की संज्ञा हो जाएगी तवत शेष आपका रह जाएगा और यहां पर आपका लेप प्रत्यय में या शेष रहेगा ध्यान रखोगे यहां पर आपका या शेष रहेगा कित्वा प्रत्यय में आपका त्वा शेष रहेगा ध्यान रखना शेष तो रहेगा फिर कित प्रत्यय में आपका ताशेष रहेगा और फिर यहां पर कित प्रत्यय में आपका रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा ता, चलिए फिर प्रत्यय में क्या रहेगा आपका ता। तबत रहेगा वत का लेकिन यहां क्या हो जाएगा वत को वान हो जाएगा इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा कित प्रत्यय में पुनः आपका यहां ताशेष रहेगा और यहां कित प्रत्यय में आपका ताशेष रहेगा ध्यान रखना ठीक है ना चलिए अब यहां देखेंगे समर्पित वान पूरा पद बना हुआ है कथ धातु में कित वतु प्रत्यय जोड़ोगे इट का आगम होगा कथित वान बन जाएगा वत को यहां वान कर लेना वत को क्या हो जाएगा वान हो जाएगा बन जाएगा कथित वान निक्षिप में नि उपसर्ग है छिप धातु है तो यहाँ निक्षिप्य सीधा सीधा लैप प्रत्यय का या जुड़ जाएगा निक्षिप्य बन जाएगा कारित्व में धातु है तो वृद्धि हो जाएगी तो कार बन जाएगा इणिच में आपको ई होकर के यण का इट का आगम होकर के या आदेश होकर के कित्व प्रत्यय जुड़ करके कारित्व बन जाएगा आदिष्ट में आदिश शब्द रहेगा यहाँ स्टुत्व भाव हो करके और सीधा सीधा ता जुड़ करके ताको भी स्टुत्व हो जाएगा आदिष्टम बन जाएगा साधित कम में धातु है कित प्रत्यय जुड़ेगा लेकिन यहाँ इट का आगम होगा साधित और नपुंसकलिंग में साधितम रूप बन जाएगा साधिता साधित साधिता साधिता साधितम ऐसे रूप बन जाएगा पृष्ठवान में भी पृष्ठ धातु है कि प्रत्यय तब जुड़ेगा तो यहाँ इष्टुत्व भाव होकर के आपका पहले छाकुसा होगा शाह से फिर यहाँ इष्टुत्व भाव हो जाएगा सूत्र से होगा कि नहीं होगा फिर यहां उक्तम दिया हुआ है उक्तम में भी आपको क्या करना है वच धातु है कित प्रत्यय है तो वच का यहाँ संप्रसारण जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं यण संधि के आधार पर यहाँ पर आपको क्या करना है वच की जगह वा के स्थान पर ऊ करना है के स्थान पर ऊ करना है तो उच्च उच्च हो जाएगा और जिससे बनेगा उक्तम चा के स्थान पर फिर का हो जाएगा और बन जाएगा उक्तम ता बन जाएगा समर्पिता तो सम उपसर्ग लगा हुआ है क्या लगा है यहां सम उपसर्ग लगा हुआ है और अर्प इसमें आपका धातु है और कित प्रत्यय ठीक यहां पर अर्प आपका क्या है धातु है कित प्रत्यय प्रत्यय में आपका ताशेष रहेगा ताशेष रहेगा और ता जब शेष रहेगा इसमें तो आपको क्या करना है इट का आगम हो जाएगा तो सम इर, तो आ मिल जाएगा तो पूरा हो जाएगा और ई का आगम होकर के यहां ई की मात्रा लग जाएगा और ता आपका जुड़ जाएगा समर्पित बन जाएगा यहां पर आपको यहां आपने ध्यान से देखा होगा यह हो गया यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं ये आपके जितने भी यहां पर इनकी प्रकृति और प्रत्यय हैं अगर आप इनको ध्यान में रखोगे तो आपको कोई भी ऐसा पद नहीं है जो आपसे ना बने अब परीक्षा उपयोगी कुछ प्रश्न रह गए इनको ध्यान से देख लीजिए तीसरा प्रश्न हमारा रहेगा गद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत ध्यान रखना इस बात का कि गद्यांश को पढ़कर के प्रश्नों को हमें क्या करना है उत्तर देना है प्रश्नों के उत्तर देना है तो यहां पर सबसे पहला हमारा प्रश्न का नंबर में दिया हुआ है एक पदेन उत्तर ठीक एक पद के द्वारा उत्तर दो या एक पद के द्वारा उत्तर को लिखो सीधा सीधा उनका कहने का मतलब यह है कि पहला प्रश्न जो दिया हुआ है कह तूषणि बभूब ठीक कौन चुप रहता है कौन नहीं बोलता है क्यों जब आपने देखा होगा पूरी कहानी को अगर आपने ध्यान से सुना होगा और पूरी कहानी को ध्यान से अगर पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये तुष्णीम शब्द किसके लिए आया है तुष्णीम शब्द वत्सराज अपने लिए बोलता है कब जब उसने कहा कि राजा की आज्ञा है और राजा की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है इसीलिए चुप रहना ही हमारे लिए ठीक होगा और जाकर के वो रात्रि में ना इच्छा होते हुए भी भोज को रात्रि में अपने रथ पर बैठाल करके उसके वध करने के लिए उसे भुवनेश्वरी के जंगलों में ले जाता है तो ध्यान रखिए यहाँ एक पद के द्वारा आंसर देना है कह बभूव कह तुष्णिम बभूव वत्स राजा समझ में आ गया प्रश्न आपको इसमें आंसर होगा आपका वत्स राजा प्रश्न नंबर दूसरा वत्स राजा भोजम कुत्र निक्षिप रक्ष वत्सराज ने भोज को कुत्र माने कहा निक्षिप माने छिपा करके रक्ष माने उसकी रक्षा की ध्यान रखना जब वह भुवनेश्वरी की जंगल में ले जाता है और रास्ते में चलते हुए जब भोज उसको एक कथन कहते हैं कहते हैं कि संसार में मानधाता जैसे आभूषणों से युक्त अलंकार आभूषण राजा हुए और समुद्र पर समुद्र पर पुल निर्माण सेतु निर्माण करने वाले रामण जैसे दशा अंतक का करने वाले भगवान राम नहीं रहे और युधिष्ठिर जैसे राजा नहीं रहे तो उसमें हम क्या चीज हैं हो सकता है यह राजलक्ष्मी आपके साथ में जाए तो बस वहीं से वत्सराज को क्या हो जाता है वैराग्य धारण हो जाता है और वैराग्य धारण हो जाने के कारण उसका मन परिवर्तित हो जाता है और भोज का वध नहीं करता है तब जब वध नहीं करता है तो कहाँ ले जाता है भूम गृह आभ्यंतरे भूम निक्षिप रक्ष अपने घर के अंदर भूमि के नीचे छिपा करके राजा भोज की क्या करता है रक्षा करता है कौन वत्सराज तो भूमि के अंदर ले जाता है तो की जगह क्या हो जाएगा भूमौ समझ में आया अगला प्रश्न हमारा रहेगा इसी का खा नंबर में दिया हुआ है पूर्ण वाक्य उत्तर पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर को दो पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर देना है पूर्ण वाक्य मतलब अभी तक हम लोग एक पद के द्वारा आंसर दे रहे थे अब हमें देना है पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर चलिए यहां से बात करेंगे राजा भोज उस समय मुंज मुंज कौन था भोज का चाचा क्यों क्यों भोज के पिता का नाम था तो सिंधुल तो उस समय कौन थे सिंधुल की मृत्यु हो जाने के बाद मुंज वहां के राजा थे और मुंज ने अपने भतीजे भोज को बद करने के लिए भुवनेश्वरी के जंगल में भेजा था किसके साथ वत्सराज के साथ और जब वत्सराज वहां से आता है कृत्रिम कृत्रिम ऊपर का जो सिर होता है धड़ अर्थात मुख का कृत्रिम मुख का निर्माण करके वत्सराज ले जाता है मतलब बनाए हुए एक चित्र को क्योंकि तो भोज का वध तो करता नहीं है तब वहां जैसे पहुंचता है तो मुंज कहते हैं कि जब भोज का तुम बध कर रहे थे उसके ऊपर खडक का प्रहार कर रहे थे उसके गले को काट रहे थे तब उसने क्या कहा ठीक तो वही पूछते हैं राजा भोज ज्ञातवा भोज बदम ज्ञातवा किम पृष्ठवान भोज के बध को जानकर के क्या पूछते हैं कि भोज ने क्या कहा देखिए राजा भोज ज्ञात्वाम तम पृष्ठवान वत्सराज खड़ग प्रहार समये तेन किम उक्तम देखिए जरा राजा भोज राजा भोज के बद को जान करके तम माने उससे किससे वत्सराज से पृष्ठवान माने पूछते हैं कि वत्सराज अरे वत्सराज खड़ग प्रहार समये जब तुम्हारे द्वारा तलहार तलवार को चलाया जा रहा था तो उस तलवार को चलाते समय तेन माने उसके और या उसके द्वारा किम उक्तम क्या कहा गया उसके द्वारा क्या कहा गया बस वही कहा गया था जो मैंने अभी बता चुका हूं ठीक के दिवंगता कौन दिवंगत हो गए थे बताइए जल्दी से दिवंगत कौन हो गया था युधिष्ठर प्रभृतया अन्यपी दिवंगता मतलब मानधाता राम युधिष्ठर जैसे प्रवृत्तिशाली राजाओं जो सभी दिवंगत हो गए और यह पृथ्वी किसी के साथ में नहीं गई ये राजलक्ष्मी ये जो पृथ्वी है यह किसी के साथ में नहीं गई हो सकता है ये तुम्हारे साथ में जाए आगे बढ़ेंगे दूसरे नंबर के प्रश्न के बाद हम लोग गा नंबर में दिया हुआ है निर्देशानुसारम उत्तरत निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए निर्देश के अनुसार उत्तर देना मतलब प्रसन्न पर्याय पदम किम प्रसन्न शब्द का पर्याय पद क्या है पर्याय पद जानते हैं क्या होता है पर्याय का मतलब समानार्थी एक समान अर्थ को प्रतीत करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं पर्यायवाची शब्द कहते हैं प्रसन्न शब्द का हमारा पर्यायवाची शब्द होगा कुपिता ठीक है ना ध्यान रखना प्रसन्न शब्द का पर्याय ध्यान रखना कुपिता आगे चलेंगे अब यहां बभूब क्रियापदर्श अब यहां पर देखा कुपित माने क्रोधित भी होता है कुपित शब्द माने क्रोधित भी होता है एक तरफ से देखा जाए तो विलोम पद भी हमारा बन सकता है ठीक प्रसन्न लेकिन यहां पर प्रसन्न प्रसन्न का एक हमारा दुख भी होता है ठीक ध्यान रखना और अब आगे हम देखे बात करें जैसे प्रसन्न का एक आह्लादित शब्द भी होता है मनोविनोद भी होता है विनोद भी हमारा प्रसन्न का क्या है पर्यावाची शब्द होता है ध्यान रखना तो इसमें आह्लादित आह्लादित होना या मन को खुश रखने वाला बहुत सारे पद हमारे ऐसे मिल जाते हैं पर्यायवाची और विलोम पद ध्यान रखना बभूव शब्द का बभूव क्रिया पदस् कर्तृपदम किम बभूव शब्द यहाँ पर क्रिया है और कर्ता पद कौन सा हो जाएगा कर्ता पद हमारा कौन सा हो जाएगा तो तूषणीम बभू ऐसा शब्द आया था वत्सराज ने अपने लिए कहा था तूषणीम बभू अर्थात वत्सराज स्वयं कहता है कि चुप रहना ही हमारे लिए ठीक है क्योंकि राजा की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य होता है फिर इसके बाद मानधाता इत्यस्य विशेषण पदम की मानधाता जो शब्द आया हुआ है वो किस राजा के लिए आया हुआ है मानधाता से यहाँ पर किसका तात्पर्य है मानधाता शब्द यहाँ पर क्यों प्रयोग किया गया है किसके विशेषण के लिए प्रयोग किया है तो बहुत सारे राजाओं के लिए महीपति पृथ्वी के जितने भी ऐसे राजा हुए उनको मानधाता सभी दक्षिण राजाओं के लिए उन्होंने बात की कि, कि किसी के साथ में यह राजलक्ष्मी नहीं गई है चाहे वो राम हो और चाहे वो राम चाहे वो हमारे युधिष्ठिर हो आदि राजा सभी के सभी क्या हो गए यहां अपनी राजलक्ष्मी को छोड़कर के दिवंगत हो गए आगे हमारा प्रश्न दिया हुआ है तीसरा नंबर तीसरे नंबर का प्रश्न है जिसमें बड़ा आ में समानार्थक पदई हिस्सा अर्थान मेल यहां पर दिया हुआ है समानार्थक पदों के साथ में अर्थ का मेल करना है अर्थात ये शब्द जो दिए हुए हैं ये शब्द हैं और उनका ये अर्थ दिया हुआ है तो समानार्थक उनके समानार्थी सब पदों के साथ में उनके अर्थ को हमें क्या करना है मिलाना है चलिए मिलाते हैं शुरुत्व मान करके गत्व कथित वान विधेयम रक्ष ये हमारे पद दिए हुए हैं इन पदों का हमें अर्थ जानना है तो श्रुत्वा का मतलब होता है सुन करके तो ऐसा कोई यहाँ पर दिया हुआ है क्या आप देखिए तो सुनकर के लिए यहाँ हिंदी में पद नहीं दिया है तो आकरण शब्द आकरण का मतलब सुन करके होता है फिर इसके बाद गत्वा का मतलब दिया हुआ है तो इसका अर्थ हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से गत्वा का आगत्य आकर के ध्यान रखना फिर इसके बाद और देखें हम तो कथित वान तो कथित वान के लिए हम उक्तवान का प्रयोग कर देते हैं विधेयम का मतलब होता है निर्माण करना विधेय करना तो करणीयम हो जाएगा फिर इसके बाद ररक्ष के लिए रक्षित वान शब्द का प्रयोग हम अर्थ के रूप में यहाँ कर सकते हैं ध्यान रखना यहाँ पर भी श्रोतवा में बस इतना देखना कि यहां पर श्रुध धातु है यहां कितवा प्रत्यय लगा हुआ है ठीक और यहाँ आकर्ण धातु यहाँ कर्ण धातु है उपसर्ग है और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है लेकिन अर्थ दोनों का एक ही निकलेगा गत्वा में त्वा प्रत्यय लगा हुआ है आगत्य में ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है कथित वान में कितवतु प्रत्यय लगा हुआ है और उक्त वान में भी कितवतु प्रत्यय लगा हुआ है तवत तवत का वत कुवान हो जाता है और बन जाता है विधेयम में यहां पर धी धातु धी धातु लगी हुई है निर्माण करने भी उपसर्ग लगा हुआ है ठीक और यहाँ पर भी करणियम में भी यहाँ पर क्या अनियर प्रत्यय लगा हुआ है रक्ष यहाँ पर रक्ष धातु है परोक्ष लिट में दुत होकर के बनता है और यहाँ पर रक्ष में रक्ष धातु से तबत प्रत्यय लग करके कितव प्रत्यय लग करके तबत तबत को बत को वान हो जाता है और रक्षित वान बन जाता है देखिए श्रुत्वा का मतलब आकरण गत्वा का मतलब आगत और कथित वान का उक्तवान विधेयम का करणीयम रक्ष का रक्षितवान यहाँ पर हम इस प्रकार से क्या कर लेते हैं शब्दों के अर्थ से इसे समाहित कर देते हैं ध्यान रखना यहां पर आपको कोई ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है आगे चलेंगे हम उसी के साथ चलिए ये हमारा यहाँ पर पूरा भाग तीन कंप्लीट होता है ध्यान रखिएगा और आप लोग बहुत मस्ती के साथ में आनंद के साथ में इसको पूरा करिएगा इससे बनने वाले जितने भी आपको यहाँ व्याकरणात्मक प्रश्न दिए जा रहे हैं वो आपको प्रत्येक पैराग्राफ से संबंधित दिए जा रहे हैं इसीलिए इसमें आपको पढ़ने में आराम होगा ट्वेल्थ क्लास के हिसाब से द्वादश कक्षा के हिसाब से प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक पैराग्राफ के प्रश्नों को जानना हमारे लिए अति आवश्यक है इसीलिए आप बहुत विशेषण और विशेष के तहत आपको पढ़ना है ठीक तो ध्यान रखिएगा फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मैग्नेट ब्रेन्स भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को 100 परसेंट फ्री एजुकेशन दे रहा है 100% परसेंट फ्री एजुकेशन का मतलब ही होता है निःशुल्क शिक्षा निःशुल्क शिक्षा का मतलब समझते हैं ना आपसे कोई भी रुपया पैसा नहीं लिया जाता बस आपको करना क्या होगा जब आप चैनल पर नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन को दबाएं जिससे नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे और आपको मालूम होना चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से कोई भी आपका हो सीबीएसई बोर्ड हो दिल्ली बोर्ड हो यूपी बोर्ड हो बिहार बोर्ड हो एमपी बोर्ड हो राजस्थान बोर्ड हो सर्वत्र कहीं से भी आप संबंधित हो मैग्नेट ब्रेन आपके लिए सब कुछ यहां पर ला रहा है और वो भी यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो सब आपको फ्री मिलेगा ध्यान रखें चाहे आप अगर हिंदी मीडियम से हैं, तो हिंदी मीडियम प्लेटफॉर्म पर जाइए अगर हिंदी मीडियम से हैं, तो इंग्लिश मीडियम आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर जाना चाहते हैं इच्छित आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है ध्यान रखिएगा मस्ती के साथ पढ़िएगा और कोई भी आपको समस्या हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अपने मित्र संगल संबंधी जितने भी आपके मित्र यार हैं सबको आप शेयर करते रहिएगा और हां एक बात आपको विशेष रूप से मैं बताने जा रहा हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कक्षा छठवीं से लेकर के कक्षा बारहवीं तक के हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम के सभी विषयों के बहुत ही सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स तैयार हुए वो नोट्स आपकी परीक्षा में उत्कृष्ट और उत्तम अंक लाने में आपकी मदद करेंगे तो जल्दी से जल्दी आपको संपर्क करना है संपर्क सूत्र मैं आपको बताता हूं जिस वीडियो से आप मुझे देख रहे हैं उसी के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगा ध्यान रखिएगा फिर मिलते हैं जयत संस्कृतम जयत भारतम